जब एक शख्स को बेटी पैदा होती है तो उसे एक तरह से टेंशन हो जाता है, बच्ची पैदा हो गई कल दहेज देना होगा, दो बेटियां पैदा हो गई डबल टेंशन, तीन बेटियां पैदा हो गई ट्रिपल टेंशन, फिर क्या करते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है। हमारी कंट्री की सेंसस से हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर हर 1000 मर्दों के लिए सिर्फ 943 विमेन है, यानी कि 57 औरतें कम है, जबकि हम देखते हैं कि सारी डेवलप कंट्रीज में औरतें मर्दों से ज्यादा है ऑन द कंट्री, लेकिन इंडिया में औरतें मर्दों से कम है। अब अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3.56 करोड़ औरतें मर्दों से कम है, लेकिन सिचुएशन ज्यादा वर्स है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। 0 to 6 ईयर्स की बच्चियां गर्ल्स और 0 to 6 ईयर्स के बॉयज दोनों की पॉपुलेशन जब कंपेयर की गई तो देखा गया हर 1000 बॉयज के लिए सिर्फ 919 गर्ल्स है, यानी कि सिचुएशन और वर्स हो गई है। अब यहां पर 81 मिसिंग गर्ल्स हो चुके हैं। ये सारा जो फीमेल इन्फेंटिसाइड फीमेल फीटिसाइड हमारी कंट्री में चल रहा है, इस चीज की बुनियादी वजह यह है कि औरतों को लड़कियों को बच्चियों को हमारी कंट्री के कल्चर में लोग एक तरह से बर्डन समझने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर पॉलीगमी स्टार्ट हो जाए और विडोज और डिवोर्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, डाउरी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, तो बच्ची पैदा होने वाली है फादर को कोई टेंशन नहीं है, बहुत शादी करने वाले आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा लड़का देखकर सेलेक्ट कर लूंगा, और उसे ये फिनेंशियल बर्डन नहीं फील होगा फादर को जो बहुत सारे लोगों को फील होता है। तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली फीमेल इन्फेंटिसाइड का रेट खुद ब खुद खत्म होने लगेगा, खुद ब खुद फीमेल फीटिसाइड और बच्चियों को जो मारने का मामला है जो हमारी कंट्री में चलता है, जो एक बहुत ही ओपन बात है, बेटा बीमार है तो उसका ख्याल रखा जाएगा, बेटी बीमार है तो उसका नेग्लिजेंस से मारा जाता है। एक चीज है अबॉर्शन, दूसरी चीज है नेग्लिजेंट होमिसाइड, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारों का एंड रिजल्ट सेंसस फिगर्स हमें बता